नाम है सुजाद इकबाल खान और मैं बेसिकली जम्मू से हूँ और कई सालों से मुंबई में सेटल हूँ। और आपके एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए, बेसिकली मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैंने अभी तक कई हिंदी फिल्में बनाई हैं। जैसे कि मेरी रिलीज्ड फिल्म की लिस्टों में से मॉनसून, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई, उसके बाद 2016 में मेरी दो फिल्म्स आई थी, मुरारी द मैड जेंटलमैन एंड माय फादर इकबाल। और अभी मेरी अपकमिंग लिस्ट में एक फिल्म है जो देश के लिए मैंने डेडिकेट की है, इट्स ऑन डिफेंस, सर्जिकल स्ट्राइक। फिल्म का टाइटल है सर्जिकल स्ट्राइक और बहुत जल्द रिलीज़ भी होने वाली है। उसके अलावा आज जैसे कि मैं झारखंड में झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में हूँ और लॉ मेरी फिल्म का टाइटल है लॉ, जिसकी स्क्रीनिंग यहाँ पे है। और इसके अलावा मेरी एक फिल्म द लॉस्ट सोल्जर जो कि अभी प्री प्रोडक्शन में है, जल्द स्टार्ट होने वाली है। सर, फिल्मों में आपका आने का रुझान शुरू से था या फिर बाद में शुरू हुआ? देखिए, जैसे कि मैं एक मेरी जो स्टडीज़ हुई हैं वो आर्मी स्कूल से हुई हैं, मैंने आर्मी में सर्व भी किया है। और आर्मी के उस सफ़र में क्या होता है कि आर्मी स्कूल्स में बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ एक्टिविटीज़ में मुझे मौका मिला था एक्टिंग करने का, सिंगिंग करने का, राइटिंग करने का और बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो मेरे सफ़र में पहले ही मैं आर्टिस्टिक था, जिसकी वजह से मुझे मुंबई की तरफ मेरा जो आर्ट था वो मुझे ले गया और मैं डायरेक्शन में और राइटिंग में उतरा। अच्छा सर, बिग बॉस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बिग बॉस का मैं बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ एंड इनफैक्ट फर्स्ट सीजन से ही मैं देखता आ रहा हूँ और मैंने बहुत कैरेक्टर्स पढ़े हैं। चूँकि मैं एक डायरेक्टर भी हूँ तो हम तो अलग अलग किरदारों पर काम करते ही हैं, और जैसा कि बिग बॉस ने अभी डायरेक्टर्स को भी चांस देना शुरू कर दिया है, तो इवन देखिए हम बैक टू कैमरा काम करते हैं और हमारे थॉट्स, हमारे किरदार, हमारी राइटिंग्स, हमारे स्टोरीज़, वो हम प्रेजेंट कर पाते हैं ऑडियंस में। लेकिन एक डायरेक्टर के अंदर भी एक इंसान होता है जिसे मैं उस प्लेटफॉर्म पे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। सर, ये बताएं कि जैसे आपने जैसा कि बताया कि मैं डायरेक्शन के क्षेत्र में हूँ, तो कुछ फिल्म शूट के दरमियान कुछ ऐसे बातें घटती हैं जिससे आपको गुस्सा आता हो या फिर कोई और कुछ अन्य बातें? देखिए, गुस्सा तो बहुत होता है अंदर, और कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब एक्टर, चाहे वो सीनियर एक्टर हो, जैसे कि मैंने असरानी जी, नरेंद्र झा और कई ऐसे बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, तो अब जो बहुत सीनियर एक्टर्स हैं वो तो यकीनन बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन कुछ किरदार, कई कुछ नए एक्टर्स आते हैं, कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, तो ऑन सेट गुस्सा आना तो जायज़ होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट लगा होता है चीज़ों में और टाइम की कमी होती है और बहुत सी मुश्किल घड़ियाँ होती हैं, तो हम लोग गुस्सा होते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरे अंदर। सर, आप अपने हॉबी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन, जैसा कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो बहुत सी एक्टिविटीज़ पे काम करने को मौका मिलता है। मैं फुटबॉल, स्कूल टाइम में फुटबॉल नेशनल भी खेला था, तो कभी कभार फुटबॉल हम खेल लेते हैं। स्विमिंग इज़ देयर, प्लस डांस का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, क्योंकि मुझे ईजी हो जाता है मेरे एक्टर्स को, मेरे कोरियोग्राफर्स को कुछ चीज़ों में हेल्प करना। और सिंगिंग इज़ लाइक एक्चुअल हॉबी, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं सिंगर बनूँ, लेकिन मैं सिंगर नहीं बना। एक आखिरी सवाल सर जी, इसके बाद आपका कोई गोल हो जिसे आप अचीव करना चाहेंगे या फिर कुछ ऐसा काम जिसे आप करना चाहते हैं, आपके वो सोच में? देखिए, जैसा कि मैं पॉलिटिकल फैमिली को ही बिलोंग करता हूँ, जम्मू में मेरे मामा जी XMLA रहे हैं और मेरी फैमिली से कई लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो मैंने पॉलिटिक्स या सरकार को बड़े अलग अंदाज में देखा है और कई बार मैं बहुत एंग्री भी होता हूँ चीज़ों पे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बट मेरा भी एक गोल है कि मुझे, मेरे डैड का जो नाम है वो चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में भी आऊँ एक टाइम पे, एक समय पे। तो बीइंग अ पॉलिटिशियन कह लो, या बीइंग अ सोशलिस्ट, या बीइंग अ डायरेक्टर, या बीइंग अ आर्टिस्ट, मैं ऑलरेडी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में हूँ और मैं आगे भी मतलब करना चाहूँगा, और ऐसे कई से गोल हैं। तो आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ों को बदलना है इस देश में, तो वो अब किस तरीके से बदलना है आई कांट से, बट यकीनन मैं करूँगा।
तो हम लोग उम्मीद रखें कि सुजाद इकबाल खान सर एक राजनीति की भी पाली खेल सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।